नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद जालौन के तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर भाजपा आलाकमान अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी को लेकर आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनपद जालौन के दौरे पर थे। आज जनपद जालौन के कोंच और उरई में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्षी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम पर था, लोग पलायन कर रहे थे, महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से गुंडाराज समाप्त कर अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर उनके ऊपर बुलडोजर चलवा कर जनता में भयमुक्त वातावरण स्थापित किया है, उससे प्रदेश में राम राज्य हो गया है। बरसों से अटके पड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब पलायन बंद है। उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश और जयंत का गठबंधन राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है, जनता सब जानती है, और उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से 300 से अधिक सीटें जीतकर वापस सरकार बनाएगी। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत।